कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पेनिस को अच्छी तरह साफ करना बहुत कम लोग जानते हैं। कई लड़के या पुरुष कभी कभी पानी से धोने को ही सफाई मान लेते हैं, जबकि कई पुरुष लिंग को साफ करना जरूरी नहीं समझते हैं। इसकी वजह से उनके पेनिस में कई तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है और इसका प्रभाव उनकी सेक्स लाइफ पर भी पड़ता है। कुछ पुरुष सोचते हैं कि जननांग को पानी और साबुन से धो लेना ही पर्याप्त होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्सपर्ट मानते हैं कि सिर्फ साबुन और पानी से ही नहीं, बल्कि जननांग को साफ और बालरहित रखना भी आवश्यक होता है। शरीर के अन्य हिस्सों की तरह पेनिस के साथ साथ टेस्टिकल्स यानी अंकोश भी होते हैं, उन्हें भी देखरेख की आवश्यकता होती है। इन्हें भी साफ रखना जरूरी होता है। शरीर के इन हिस्सों में गंदगी होती है और साफ न करने पर संक्रमण हो जाता है। हर पुरुष को पेनिस साफ करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। साफ पानी का उपयोग। पेनिस को साफ करने के लिए कई पुरुष बाल्टी के पानी को ही यूज कर लेते हैं, जबकि यह कई बार साबुन या अन्य चीज के कारण गंदा हो जाता है। इसलिए लिंग को धोने के लिए हल्का गुनगुना या एकदम साफ पानी ही यूज करें। इस प्रक्रिया को नहाने से पहले कर लेना सही माना जाता है। लिंग को साफ करने के बाद नहाएं, ट्रिम करें। पेनिस के आसपास के बालों को हटाने के लिए उन्हें छोटी कैंची से ट्रिम कर लें। इससे उनमें पसीना नहीं भरेगा और न ही संक्रमण होगा। कई बार बड़े हुए बालों की वजह से गंदगी हो जाती है और बैक्टीरिया पनपते हैं। पेनिस को धोने का सही तरीका। पेनिस को संक्रमण से बचाने के लिए पेनिस की ऊपरी त्वचा फोरस्किन को हल्के हाथों से हटा लें। अब उस हिस्से को गुनगुने पानी से धो लें। मेडिकेटेड साबुन या वी वॉश को हाथों में अच्छे से मले और उसे पेनिस पर हल्के हाथों से लगाएं। कभी भी पेनिस को जोर लगाकर न साफ करें। इससे लिंग छिल सकता है या जख्मी हो सकता है। इस वजह से पेनिस पर घाव होने की संभावना बनी रहती है। सेक्स करने से पहले और बाद में। सेक्स करने से पहले और बाद में पेनिस को धुलना कतई न भूलें। दोनों ही पार्टनरों को सेक्स से पहले और बाद में योनि को अवश्य धुलना चाहिए, वरना स्पर्म के फैलने से वहां ड्राइनेस हो जाती है और संक्रमण भी हो जाता है। जहां भी स्पर्म गिरा हो वहां भी साबुन से धुल लेना चाहिए। न पहने गंदे अंडरवियर। अगर आपने अपने लिंग को अच्छी तरह साफ कर लिया है तो उसके बाद साफ अंडरवियर पहने। कभी भी गंदे या फटे पुराने अंडरवियर न पहने। इससे सफाई करना बेकार हो सकता है। इसलिए लिंग का ख्याल रखने के लिए अच्छी क्वालिटी के अंडरवियर पहने। हस्तमैथुन करने के बाद भी पेनिस को अच्छी तरह धुल लेना चाहिए। इससे संक्रमण होने का खतरा नहीं रहता है। खतना पुरुषों के लिए। अगर आपका खतना हुआ हो तो आपको पेनिस की विशेष देखभाल करनी चाहिए। आपको पेनिस की स्कीन को अच्छे से साफ करना चाहिए और तौलिए से पोंछ भी लेना चाहिए, वरना खतने के कारण अधिक त्वचा संक्रमण की।